हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 और अभी हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है वो देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनको फैक्टराइज करना है। जो हमें ये दो बाइनोमियल्स दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, दो दो टर्मी हैं इनके अंदर, हमें इनको सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व कैसे, फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फार्मूला यहाँ कौन सा इस्तेमाल होगा वो होगा जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर था, एक बार प्लस वाला है और एक बार माइनस वाला है, लेकिन हम प्लस वाला फार्मूला ही यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बाकी आप अगर दोनों ही लर्न कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो जो नंबर है वो है 27, जो सम है 27y³ प्लस में 125z³। पहले इसे परफेक्ट क्यूब के रूप में हमें सोल्व करना होगा, लिखना होगा। 27 का क्यूब रूट होता है 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 करने पर हमें 27 मिलता है। तो 27 का क्यूब रूट हमें मिलेगा 3। इसी तरीके से y क्यूब में से y ले लेंगे और 125 में से 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 × 5 × 5 × 25 × 125 करने पर 125 आता है। इसका मतलब हुआ कि इसका क्यूब रूट 5 हुआ और जेड क्यूब का क्यूब रूट जेड हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्म आ गई x³ + y³ की। आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूला क्या है, बिकॉज x+y, x³ + y³ इज इक्वल टू होता है x+y, x² + xy। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस आया, अगर माइनस होता तो प्लस आता। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इसे आगे करते हैं। x+y यानी कि ये जो वैल्यू है ये है x, फार्मूले के हिसाब से ये x हो गया और ये हुआ y। 3y + 5z। अब पहले वाले की पावर 2 प्लस में पहले वाला मल्टीप्लाई में दूसरे वाला, यहाँ पर आएगा y², ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैंने ये पहले लिख दी और यहाँ पर आएगा माइनस का निशान, ठीक है, जो ये जो है मैंने पहले लिख दी, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। और जो y² है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस जगह पर y की वैल्यू है 5z, प्लस का निशान आएगा y z का स्क्वायर। 3y + 5z, 3y की स्क्वायर होगी, 3 की स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² -3 × 5 = 15 yz + 5 की पावर 2 होगा 25, z² 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 5 × 5 = 25 और z² का मतलब हुआ z × z जो कि z² हुआ। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसे सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल है सम वो है दिस वन 64 m³ - 343 n³। इसको हम लिख सकते हैं 64 का क्यूब रूट होता है 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 4 × 4 = 16 × 4 = 64। तो 64 का क्यूब रूट होगा 4, m क्यूब का क्यूब रूट होगा m, माइनस 343 होता है 7 का, 7 × 7 = 49 49 × 7 = 343, तो 7 n³। अब यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको प्लस के तरीके से ही करना चाहते हैं तो आप प्लस के तरीके से कर सकते हैं, इधर प्लस लगा देंगे इधर माइनस लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर आपके पास ये y की वैल्यू रखनी थी वहाँ पर आप -7n रखेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, जो कि अभी करने वाले हैं उससे आने वाला है फार्मूले से, ठीक है। तो वो था कि आप ऊपर वाले फार्मूले की मदद से ही आप इसको कैसे कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ जहाँ 7n आया है, मतलब जो y की वैल्यू आई है, सेकंड टर्म आई है, वहाँ वहाँ आपको माइनस रखना होगा, तब प्लस वाला फार्मूले से काम चल जाएगा। नहीं तो हम माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ जब यहाँ पर माइनस आता है 4m माइनस में 7n³, मतलब ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ये है ना आपका फार्मूला जो है वो है x³ - y³ = x - y x² माइनस है तो प्लस आ जाएगा +y², ठीक है। ये माइनस वाला फार्मूला है। अब आगे x, ये आपका x है और ये y है, 4m माइनस में 7n, ब्रैकेट में x² यानी पहले वाले की पावर 2 प्लस में पहले वाला मल्टीप्लाई में दूसरे वाला प्लस में दूसरे वाले की पावर 2 जो सेकंड टर्म आई है y² 4m माइनस 7n 4² = 16 m² 2 m² 4 × 7 = 28 mn 7² = 49 n², ठीक है। ये टर्म आप इधर भी लिख सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। होप सो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसको हम प्लस वाले के तरीके से कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बात छेड़ दी, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि क्या कह रहे थे वो, समझ में नहीं आया, तो फिर उसको करते हैं अब इसी सम को प्लस वाले के तरीके से। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको समझ में आए, अगर आपको लगे कि आप ऐसा करना आपको ठीक लगता है तो आप वैसा कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर है सम वही जो हमारे पास था, 64 m³ - 343 n³ = इसको मैं लिख सकता हूँ 64 का क्यूब रूट 4 m³ प्लस, इसके लिए माइनस मैंने अंदर ले लिया, -7 n³। सॉल्व करेंगे तो वापसी आपको माइनस ही मिल जाएगा। फार्मूला लिखेंगे जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं, x+x³ + y³ = x+y x² - xy + y² मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एक ही फार्मूले से भी इस सम को कर सकती हैं वो चीज़, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा माइनस का,
कैसे भला? 4m की पावर 3, मतलब आपके पास जो ये है x हो गया और ये हो गया y, 4m माइनस प्लस, ये माइनस में है, माइनस 7n लिखा, माइनस की जो वैल्यू ऑफ वो ब्रैकेट में रखी है, x की पावर 2, 4m की पावर 2 माइनस में पहले वाला, मल्टीप्लाई में दूसरे वाला, प्लस में दूसरे वाले की पावर 2। ठीक है, क्लियर हुआ? ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी, 4m माइनस 7n, 4 की पावर 2 16, 4 मल्टीप्लाई 4, m की पावर 2 m स्क्वायर माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस, 4 7 जा 28 m मल्टीप्लाई में n mn। याद रहे पहले आपको करना होगा निशान को, निशान का ज़रूर ध्यान रखिए, साइन का ज़रूर ध्यान रखिए, पहले साइन को देखिए, वो लिखिए, फिर नंबर पार्ट, और फिर जो लिटरल जो आपकी जो ए बी सी डी एम एन पी क्यू जो आता है वो आप ज़रूर लिखिए। अब माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाता है, इवन मतलब नंबर जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 आए, या फिर ये खुद नंबर हो 2, 4, 6, 8 और लास्ट में अगर 0 आ रहा है, जैसे 20, 30, वो इवन नंबर हो तो ये प्लस हो जाता है, तो ये प्लस ही रहेगा, 7 की पावर 2, 49 एन स्क्वायर। अब आप मैच कर सकते हैं पहले वाले के साथ, आपका आंसर बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट्स जो है इसके ले लीजिए, ताकि ये आपकी नोटबुक को फिल करने में मदद करें, बल्कि मैं कहूँगा आप समझने के बाद स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ये आपकी रिवीजन के काम आएंगे, बार बार वीडियो को चलाना नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद फिर नोटबुक में कीजिए, तो आप अच्छे तरीके से आप इसको समझ भी जाएंगे और कर भी पाएंगे। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और बनाए हैं, वो आप सॉल्व कीजिए, ये होगा असाइनमेंट। असाइनमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए, जितना ज़्यादा आप असाइनमेंट करेंगे उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे। ठीक है, मैं तो देखिए आपके लिए क्वेश्चंस बनाता हूँ तो मेरा तो दिमाग बढ़ेगा, अगर आप इनको सम को सॉल्व करते हैं तो इससे आपका भी दिमाग बढ़ना ही बढ़ना है। राइट, ये पहला नंबर है 216y³ प्लस में 125x³, अगला है 64z³ माइनस y³। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा ये। ठीक है, यहाँ आंसर के अंदर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये गलती थी इसमें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।